एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अगर आपकी स्किन जो है वो एक्ने प्रोन है, आपके पिंपल्स बिल्कुल नहीं जा रहे, स्किन जो है वो थोड़ा सा डल दिख रही है एंड ग्लो भी थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो रहा है ना, सो ये जो वीडियो है वो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिम्पल्स रिमूव करने का 100% सोल्यूशन, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज़, इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम ना, सो हाई माई नेम इज नेहा एंड थैंक्स टू विजिटिंग माई चैनल। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, उसके साथ साथ ना बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड या विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिंपल्स को रिमूव करने से पहले ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर पिंपल्स क्यों आते हैं। सो साइंटिफिकली जो हमारी स्किन की ग्लैंड्स होती है ना, जब भी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन करती है, सो वो जो ऑयल होता है वो हमारे डेड स्किन के साथ कंबाइन हो जाके जो पोर्स होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देता है और वहाँ पर एक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लगता है। सो उसी वजह से हमें पिंपल्स आना स्टार्ट। तो पिंपल्स आने की जो मात्रा है ना, वो हमारे जेनेटिक्स, हमारी स्किन टाइप्स एंड हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। फिर भी अगर आप, मैं जो बताने वाली हूँ वो स्टेप फॉलो करोगे ना, तो आई एम श्योर कि आपके स्किन पर जो पिंपल्स हैं वो बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे और आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट आपको ये करना है कि आपका जो फेस है उसको मिनिमम 2 times फेस वॉश करना है। और ध्यान में ये रखना है कि जो भी फेस वॉश या फिर जो भी सोप आप यूज़ कर रहे हो ना, वो टॉक्सिन फ्री हो और उसमें कोई भी हार्श केमिकल्स बिल्कुल ना हो। सो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी हमारे पोर्स हैं उनमें जो भी डर्ट है वो रिमूव हो जाएगी, उसके साथ साथ जो ऑयल का प्रोडक्शन है ना वो भी कम होता जाएगा। सो इस केस में आप यूज़ कर सकते हो टी ट्री ऑयल वाला जो भी फेस वॉश आता है वो। टी ट्री ऑयल जो होता है ना वो एंटीबैक्टीरियल होता है और हमारे पिंपल्स या फिर इसके प्रॉब्लम को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो आप टी ट्री वाला फेस वॉश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें हमारे स्किन को बिल्कुल भी डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है। सुबह उठते ही हमें 3 to 4 glasses ऑफ वाटर ज़रूर पी लेना है। अगर हम बॉडी को डिहाइड्रेट होने देते हैं ना, तो उससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से पिम्पल्स या फिर एक्ने आने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो आफ्टरनून का 12 to 3 जो टाइम होता है ना, वो हमारे एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो उस टाइम पे आपके स्किन को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो जब भी आप बाहर जाओगे या फिर आप घर में भी रहोगे ना, तो आपको एक अच्छा नेचुरल सनस्क्रीन यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप कुमकुम आदि तेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी टॉक्सिन एंड हार्श केमिकल फ्री जो सनस्क्रीन आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो आपको आपके फेस को कम से कम टच करना है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा फेस को टच करते हैं उनका पिंपल्स का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। सो फेस को कम से कम टच करना। इनकेस आपके स्किन पर अगर पिंपल आ जाता है ना, तो आपको वो जो पिंपल है उसको बिल्कुल भी पॉप नहीं करना है और इंस्टेड ऑफ दैट आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर जो पैचेस आजकल मिलते हैं विद द सैलिसिलिक एसिड, सो आप वो अप्लाई कर सकते हो। सो पिंपल्स को बिल्कुल भी पॉपअप नहीं करना है। उससे क्या होता है कि जो भी वायरस होता है ना वो आजू बाजू की स्किन में स्प्रेड होता है और उससे बाकी की पिंपल्स आने का खतरा भी बढ़ जाता है। मेकअप को मिनिमल रखना है एंड जब भी हम सोने जा रहे होंगे उस टाइम पे हमें जो मेकअप है वो 100% रिमूव करना है। उसके साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करना है जिनकी वजह से हमारे जो पोर्स है वो बिल्कुल भी क्लॉग ना हो या फिर ब्लॉक ना। उसके साथ साथ हमारे जो भी पिलोज होते हैं उनको अच्छे से वॉश करना है एंड ये जो भी फैब्रिक है उसको हमें साफ ही रखना है। तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन में सबसे फर्स्ट तो हमें ये कंसीडर करना है कि हमें ऑयली फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड कर देना है। जितना ज़्यादा हम ऑयली फूड खाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। सो हमें हमारे डाइट में ना जो हाई फाइबर फूड्स होते हैं उनको इंक्लूड करना है, जैसे कि होल व्हीट की जो रोटी होती है वो, उसके साथ साथ हमें ओट्स खाने हैं, उसके साथ साथ हमें वेजिटेबल्स या फिर फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, ब्राउन राइस खाना है। इस टाइप के जो हाई फाइबर वाले फूड्स होते हैं वो हमें हमारे डाइट में ज़रूर इंक्लूड, हमें जो भी वाटर रिच फ्रूट्स होते हैं ना वो हमें हमारे डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं, जैसे कि एप्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं, कुकुम्बर इंक्लूड कर सकते हैं या फिर जो वाटरमेलन वगैरह होते हैं वो भी हमें हमारे डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं ना वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो फ्रूट्स खाने से ना सिर्फ हमारे स्किन के लिए नहीं बट हमारे बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, सो ज़रूर इंक्लूड। उसके साथ साथ ना नाइट में सोने से पहले आपको गोल्डन मिल्क, जिसे हम हल्दी वाला दूध भी बोलते हैं, वो ज़रूर इंक्लूड करना है। उससे क्या होगा कि हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी नींद भी काफ़ी अच्छे से पूरी होगी एंड उसके साथ साथ जो हल्दी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है। सो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने में, उसके साथ साथ हमारी स्किन के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है।
सो वो भी आप अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करें। तो गाइस जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स जो हम हमारे स्किन पे लगाते हैं उससे हमारे एक्नेज या फिर पिंपल्स को 100% सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता है। तो पिंपल्स को रिमूव करने के लिए हमें न्यूट्रिशन अच्छा लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, उसकी वजह से हमारे पिंपल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो या गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बी नेचुरल स्टे ब्यूटीफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।